जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले से ही ये पेशनगोई जारी कर दी गई थी कि 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, वही हमने 26 अप्रैल से ही देखा कि कश्मीर के अंदर लगातार बारिशें मुसलसल जारी है। ऐसे में अगर हम एडवाइजरी की बात करें तो पहले से ही जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो जहलम के किनारे या नदी नालों के बिल्कुल पास रहते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो जो है एहतियात बरते क्योंकि गंडबल जैसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। ऐसे में हमने जरूरी समझा कि हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि मौसम के क्या कुछ सूरत हाल रहने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी इंक्लीमेंट वेदर का जो फोकास था वो 26 से था और लगभग ये 30 अप्रैल तक रहेगा और खासकर कल शाम से जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई, कुछ एक जगहों पे हैवी भी हुई थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग और आज मॉर्निंग से जो है बारिशें फिर से शुरू हुई हैं तो इंटरमीडियटली रहेगा और खासकर आज टुवर्ड्स आफ्टरनून लेट आफ्टरनून से थोड़ा सा एक्टिविटी इसका और बढ़ने के चांसेस हैं और आज देर रात तक या अर्ली मॉर्निंग तक भी इंटरमीडियटली बारिशें रह सकती हैं लेकिन इंटेंसिटी वाइज शाम के टाइम में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बाकी कल भी जो है मौसम थोड़ा अबरालूत रहने के चांसेस हैं डे टाइम में। आफ्टरनून में जो है हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पर दरमियाना दर्जे की बारिशें थोड़ा थंडर लाइटनिंग के भी इम्कान हैं। बाकी फर्स्ट से जो है वेदर में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं और लगभग 5 तक मौसम अमूमन ठीक रहेगा, फिर 6-7 के बीच में भी थोड़ा फीबल WDA तो कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी खासकर 6-7 मई तक जो है नहीं है। तो फिलहाल जो वेट स्पेल है वो आज थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा है, कल जो है थोड़ा माइनर वेट स्पेल के मतलब ये लग रहा है। देखो हॉर्टिकल्चर अभी स्प्रे वगैरह या बाकी जो हार्वेस्टिंग है अलग अलग फसल का खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर तो फिलहाल हमने ऑलरेडी एडवाइजरी दिया है, पिछले एक हफ्ते से चल रहा है कि किसी भी किस्म का दवा पाशी हो, फर्टिलाइज़र हो, मैन्यूर हो, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल सस्पेंड रखें और 1 मई से जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। बाकी पहाड़ी इलाकों के कुछ एक रास्ते जो है मुतासिर हो गए हैं ताज़ा बर्फ़बारी के कारण, तो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं बाकी जो सयाह वगैरह हैं वो इंक्लीमेंट वेदर जब तक है तब तक ट्रैवल ना करें और ट्रैवल करने से पहले खासकर जब भी वेदर इम्प्रूव होता है उसके बाद भी जो है कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनसे इतला मौसूल करें और उसके बाद जो है अपना जर्नी अकॉर्डिंगली प्लान करें। बाकी वहाँ पानी का जो सतह है वो टेम्परेरीली राइज हुआ है कुछ एक जगहों के अंदर और शाम को भी जो आज बारिशों का जो सिलसिला है वो रहेगा तो वो फर्दर जो है पानी का जो सतह है वो और राइज हो सकता है। बाकी लोग थोड़ा सा एहतियात बरतें, थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग से भी कभी कभार जानी और माली नुकसान होता है तो जब भी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर होता है तो हमेशा घरों के अंदर थोड़ा सेफ रहें। देखो पानी ऑलरेडी पानी का सतह जो वाटर लेवल है वो राइज हुआ है नो डाउट है नदी नालों के अंदर या जेलों की अगर हम बात करेंगे तो कमिंग आवर्स में भी थोड़ा सा और फर्दर राइज होने के चांसेस हैं क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो है मोर और लेस इंटरमीडियंटली या कंटिन्यूसली चल रहा है पिछले कई दिनों से तो आज शाम को भी जो है बारिशें जो है रह सकती हैं। बाकी किस नदी नाले के अंदर या कौन से फ्लड चैनल में कितना वाटर लेवल है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बता पाएगी। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार साहब, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कल भी जो है बारिशें मुसलसल जारी रहेगी, उसके बाद अगर हम 1 मई की बात करें तो 1 मई से लेकर 5 मई तक खुश्क मौसम रहने के इम्कान है और उसके बाद जो है उसके बाद इनका कहना है कि शायद फिर से जो है बारिशें देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है इनका ये भी कहना है कि जो ट्रैवलर्स हैं वो इस वक्त ट्रैवल ना करें क्योंकि ऐसे में इस मौसम में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। कल ही हमने देखा कि सोनमर्ग के इलाके में जो है एक ऐसा एक्सीडेंट सामने आया जहाँ पर 5-6 लोगों की मौत वाकई आई और अभी भी जो है उसमें एक बॉडी रिट्रीव नहीं हुई। और आपको ये भी बता दूं कि इनका जो है ये भी कहना है कि जो फार्मर्स हैं वो फिलहाल जो है काश्तकारी ना करें क्योंकि अभी जो है मौसम ऐसा ही रहेगा, कल तक ऐसा ही रहेगा और उसके बाद जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अब देखते हैं मौसम के हवाले से क्या कुछ सामने आएगा, वो भी जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन शाकिर शबीर को दीजिए इजाजत। आप हिना शबीर के साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर श्रीनगर।